छत्तीसगढ़ में जिस्म फिरोशी के धंधे में लिप्त एक महिला शिक्षा कर्मी को कोरबा और बालको पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला पिछले लंबे समय से देह व्यापार के कारोबार में लिप्त थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर एक व्यक्ति को भेजा, जिसके बाद मामले का खुलासा हो गया। महिला आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर रही है। गौरतलब है कि जिस्म फिरोशी के अवैध कारोबार में लिप्त पुलिस ने एक ऐसी महिला को हिरासत में लिया है जो शिक्षा कर्मी है। पिछले लंबे समय से महिला द्वारा देह व्यापार किए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, लेकिन समय पर पुलिस के नहीं पहुंचने के कारण मामले का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा था। सोमवार की शाम पुलिस को महिला की मौजूदगी की पुख्ता जानकारी मिली। कोरबा और बालको पुलिस ने योजना बनाते हुए इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करने की सोची और अपने व्यक्ति को ग्राहक बनाकर महिला के पास भेजा। ग्राहक ने 700 रुपए में सौदा तय किया और महिला के घर घुस गया। इधर पुलिस भी राजपत्रित अधिकारी और महिला कर्मचारियों के साथ घर में जाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ये थाना बालको क्षेत्र का मामला है। न्यू रिजदी एरिया है एक, जहाँ पर एक महिला रहती है और इनके विरुद्ध लगातार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये जो है स्वयं भी अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत जो है अवैध व्यापार करती थी और साथ ही कुछ लड़कियों को भी ला के अपने घर में अवैध व्यापार में संलिप्त थी। इसी लगातार सूचना मिलने के आधार पर बालको पुलिस और कोरबा पुलिस का संयुक्त टीम जो है सतत मुखबिरों के माध्यम से उसको निगरानी कर रही थी और मुखबिर के माध्यम से पता चला कि कल शाम के समय ये ऐसा ही कुछ कृत्य करने वाली है और जो है किसी को ला करके वहाँ पे अनैतिक अवैध व्यापार करने के फिराक में है। तो इस आधार पर हम लोगों के द्वारा पॉइंटर नियुक्त किया गया, साथ ही उसको जो है नंबर दे करके पैसे के माध्यम से उसको भेजा गया। तो जो पॉइंटर था उसके साथ उनका सौदा हुआ और 700 रुपये में सौदा होकर के वो अनैतिक व्यापार को ये मूर्त रूप देना चाह रही थी। परंतु हमारा जो टीम है, हम लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जो है इसमें राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किए गए और राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में थाना बालको से टीम लिया गया, महिला स्टाफ ली गई और जाकर दबिश दिया गया। जब दबिश दिया गया तो लाइट बंद थी बाहर से और अंदर से भी लाइट बंद था। तो महिला जो हमारे अधिकारी थे उनको भेज करके दरवाज़ा खटखटाई गई। दरवाज़ा खटखटाने पर जो है बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने दरवाज़ा खोला। जब अंदर जा करके देखा, लाइट ऑन करके देखा गया तो वहाँ पर लड़की और लड़के जो है अर्धनग्न अवस्था में थे, जिस पर जो है पॉइंटर को बाहर करके लड़की के ऊपर कार्रवाई की गई है। कितने समय से ये जो है इस तरह का कृत्य चल रहा था, वहाँ पे क्या सूचना पुलिस के पास? पुलिस के पास सूचनाएं थी कि ये लड़की अवैध व्यापार करती है और लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही थी, परंतु पुलिस कई बार और भी गई है परंतु असफलता लग रही थी। लेकिन कल का जो था उस दौरान जो है हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से इन्हें देखा और संदिग्ध अवस्था में इनको पकड़ी गई है। महिला का मूल कार्य क्या है? महिला शासकीय सेवा में है अभी तो फिलहाल। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।